प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं गुलंद पटेल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर जयशंकर मिश्र की पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास से पृष्ठ संख्या 552 से लेकर 644 तक जो दिया है, समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता, के अंतर्गत हम लोगों ने 3 वीडियो रिकॉर्डिंग किए हुए हैं, 614 तक। ठीक, विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात तक हम लोग आए थे। अब यहाँ से पुनः अध्ययन स्टार्ट करते हैं। विदेशी व्यापार आयात और निर्यात। भारत का विदेशी व्यापार प्राय ऐतिहासिक काल का है, जब उत्तर वैदिक आर्यों के आने पूर्व के भारतीय निवासी विदेशियों से अपना व्यापारिक संबंध रखते थे तथा विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे। उस समय लोग स्थल और जल दोनों मार्गों का उपयोग करते थे। सुमेर और सिंध दोनों सभ्यताओं से यह ज्ञात होता है कि उस युग में इन दोनों सभ्यताओं के लोगों का व्यापारिक संबंध था, जो बलूचिस्तान के माध्यम से स्थापित हुआ था। सिंधु सभ्यता की वस्तुएं सुमेर के बाजार में बिका करती थी, जहां से वे मित्र एंटोलिया, क्रीट आदि तत्कालीन सभ्यताओं के देशों में पहुंचा करती थी। वस्तुओं में प्रमुख थी मुद्राएं, मोहरे, सोने, चांदी और तांबे की वस्तुएं, मोती, हाथी दांत के कंघे और आभूषण, अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र, लकड़ी के सामान आदि। इस प्रकार की सुमेर सभ्यता की अनेकानेक वस्तुएं सिंधु के घाटी से प्राप्त हुई है, जिनमें प्रमुख है श्वेत संगमरमर की मुद्रा, सुमेरीय आकार की वर्तुल मुद्रा, रेखित कर्नेलियन मनका, अंकित स्टाइटाइड मुद्रा, बासुली जैसा हथौड़ा, भेड़ का खिलौना और मिट्टी की मुद्रिकाएं एवं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिस्र के आधार पर बना मनकों का सोने चांदी का अच्छीपट, बद खांसा से वैदुर्य, चीन अथवा वर्मा से जेड़ आदि मंगाए जाते थे। भारत में बनी मुद्राएं तथा गाठदार मिट्टी के पात्र व्यापारियों के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुंचते थे, पहुंचते थे। ताम्र का सुमेर की तरह यहां भी रांगा चढ़े हुए कांसे का उपयोग करते थे। इन वस्तुओं से भारत के विदेशी व्यापार का ज्ञान होता है या प्राप्त होता है। उस समय समुद्र के मार्ग से भी पश्चिमी देशों से व्यापार होता था। संभवतः लोथल उस समय समुद्री बंदरगाह था। वहां की खुदाई से प्राप्त गौरीवाड़ा मतलब डाक यार्ड इसका प्रमाण है। वैदिक युग में भी भारत का वैदेशिक व्यापार होता था। समुद्र में सौ पतवारों वाले जहाज का चलना उस काल के विदेशी व्यापारों को ही व्यक्त करता है। इससे संबंधित कथा में यह उल्लेखित है कि ब्रिजू का जहाज समुद्र में टूट गया, जिससे वह अथाह और आश्रय रहित समुद्र में डूबने लगा। वहां से 100 पतवारों से युक्त जहाज में अश्विनी कुमार ने उसका उद्धार किया। यही नहीं, सरस्वती नदी का पर्वत से समुद्र तक बहने का उल्लेख है। यह सही है कि आर्यों के आगमन से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया तथा कुछ काल के लिए देश में अशांति का वातावरण बन गया, किंतु आर्यों के स्थापित हो जाने के बाद वैदिक काल में भारत का विदेशी व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। आर्य व्यापारियों के लिए उस युग में देवपड़ी
शब्द का प्रयोग किया जाता था जो फारस की खाड़ी तक जाते थे और सुमेरी व्यापारियों से क्रय विक्रय करते थे। मिस्र असीरिया और बेबीलोन से भी भारतीयों द्वारा विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान चलता था। पश्चिमी देशों के साहित्य में कुछ ऐसे भारतीय शब्द मिलते हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत से उनका क्रय विक्रय होता था। ओफिर मतलब आवीर, कोप मतलब कपी, कर्पस मतलब कपास आदि शब्द बाइबिल में उल्लिखित है, मतलब बाइबिल में मिलते हैं, जो भारत से ही पश्चिम देशों में पहुंचे होंगे। असुर बनिपाल मतलब 7वीं सदी ईसा पूर्व के अभिलेखों में वस्त्र के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, जो निश्चय ही भारत के सिंधु प्रदेश से संबंध है। ऐसा लगता है कि उस युग में सिंधु प्रदेश के विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए विख्यात था। एशिया माइनर के बोगज कुई के अभिलेख जो दूसरी ईसा पूर्व की है, 2वीं सदी ईसा पूर्व में, मित्र नासत्य वरुण आदि वैदिक देवताओं का समावेश हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का विदेशियों से समुचित संपर्क था और आपस में व्यापार हुआ करता था। ऋग्वेद से यह सिद्ध होता है कि उस युग मतलब उस समय सिंधु प्रदेश के पानीदार घोड़े, शक्तिशाली रथ और ऊनी वस्त्र विश्वविख्यात थे। इसी प्रकार गंधार के स्निग्ध और सुंदर ऊन सर्वत्र विख्यात थे। ऊनी साला हाथी दांत के समान रत्न और सुगंधित पदार्थ भारत से पश्चिमी देशों में भेजे जाते थे। एशिया माइनर के निकटवर्ती प्रदेशों से वैदिक युगीन आर्यों का व्यापारिक संबंध था। असीरिया के प्राचीन साहित्य में भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं, किलाक्षरी लेख इसके प्रमाण हैं। मरुतस मतलब मरुत, नस्ती मतलब नासत्य, सूर्यस मतलब सूर्य, मियतर मतलब मित्र आदि देवताओं के नाम उनके साहित्य में उल्लिखित हुए हैं। असीरिया के से प्राप्त माप बाट पर जो लिपि ब्रह्मी अक्षरों में मिलती है, इसके अतिरिक्त सुमेरिया मतलब सीरिया अर्थात सुमेरिया सीरिया तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध था। यूनान जैसे देशों से भी भारत का व्यापारिक संपर्क था। होमर के समय भारत से अनेक वस्तुएं यूरोप जाती थी। यूनान के नगरों में भारतीय पदार्थों की प्राय मांग हुआ करती थी। भारत की अनेकानेक वस्तुएं पश्चिम देशों में लोकप्रिय थी। मिस्र की मम्मी के साथ नीम और इमली की लकड़ी और मलमल जैसी भारतीय वस्तुएं रखी जाती थी। मिस्र सम्राट तनु खामन की समाधि की जब खुदाई की गई तब उसमें से विविध प्रकार की भारतीय वस्तुएं मिली थी। यही नहीं, यूनान के एथेंस नगर में अनेकानेक भारतीय वस्तुएं बिका करती थी। पश्चिम के ऐसे देशों में भारतीय पदार्थों में सुरापाक अर्थात सोपारा और भरुकच्छ मतलब भरूच या भणोच नामक कोंकण के बंदरगाहों से जाया करते थे। बौद्ध साहित्य से भारत के विदेशी व्यापार का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। तत्कालीन युग में भारत का पश्चिमी और पूर्वी देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। भारत के कौवे और मोर जैसे पक्षी भारतीय वाणिकों द्वारा विदेशों में 500 और 1000 कसापण में बेचे जाते थे। इस प्रकार के पक्षियों का विक्रय भारतीय व्यापारी बावेरू मतलब बेबीलोन में जाकर किया करते थे। 5वीं सदी ईसा पूर्व में विकसित भारतीय वैदेशिक व्यापार अपनी प्रकाष्ठा पर था। बौद्ध जातकों में व्यापार के लिए विदेश जाने वाले व्यापारियों का बहुधा उल्लेख हुआ है। पंडर जातक में विवृत है कि 500 यात्री जब समुद्र यात्रा कर रहे थे तब 17 दिन की यात्रा करने के बाद दुर्घटना हो गई जिसमें सभी यात्री डूबकर मर गए। बलाहस्य जातक से विदित होता है कि ताम्रपर्णी की समुद्रीय यात्रा में लोगों को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि वहां यक्षिणियां रहती थी जो भटकते हुए यात्रियों को मार डालती थी। एक अन्य जातक में उल्लिखित है कि भारत के पूर्वी प्रदेश के वारिक के चंपा नामक बंदरगाह से होते हुए स्वर्ण भूमि की ओर जाते थे।
स्वर्ण भूमि के अंतर्गत बर्मा मालया मलाया बर्मा मलाया श्याम कंबोडिया अनाम आदि देश सम्मिलित थे। महाजनक जातक से ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारी सुवर्ण भूमि की यात्रा किया करते थे तथा विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। इस प्रकार जातकों में भारतीय व्यापारियों की अनेक कथाएं दी गई है जो व्यापार के लिए अनेक कष्ट उठाकर सुदूरवर्ती विभिन्न भिन्न देशों में जाते थे, व्यापार करते थे और धन कमाकर वो स्वदेश लौटते थे। पश्चिम में पारसिक साम्राज्य के पहले पार मिश्र और यूनान तक भारत का बहुत पहले से व्यापार होता था। पांचवी सदी ईसा पूर्व तक शाखामनी वंश के निर्देशन में पारसिक साम्राज्य अत्यंत सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से अपने सांस्कृतिक अभ्युदय में लगा हुआ था। दारा 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के शासन काल में पारसिक साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उनके मतलब उसके साम्राज्य की सीमा पूर्व में हिंद कुश को स्पर्श करती थी और पश्चिम में मिस्र सीरिया और मीनिया जैसे देशों को आत्मसात करती थी। हेरोडोटस ने लिखा है कि भारत का प्रदेश पारसिक साम्राज्य के बीच में प्रांत के रूप में था जहां से उसे 360 टैलेंट छोड़ अर्थात 4 करोड़ रुपए के लगभग कर के रूप में मिलता था। दारा के नौसेना अध्यक्ष स्काईलैक्स ने फारस और भारत के बीच नए सामुद्रिक मार्ग को ढूंढ निकाला था जो लाल सागर से होकर जाता था। इससे स्पष्ट है कि भारत और फारस के बीच जलमार्ग का भी उपयोग किया जाता था। दारा के उत्तराधिकारी जेरेक्सिज जिसका समय काल है 486 ईसा पूर्व से लेकर 465 ईसा पूर्व की सेना में भारतीय सैनिक भी सेवारत थे। मिर्चा ये उस समय भारत का पश्चिमी देशों से निकट का संबंध था जिसका प्रधान आधार वाणिज्य ही था। भारतीय व्यापारी अपनी विभिन्न वस्तुओं के साथ साथ पारसी से होकर मिस्र और यूनान तक पहुंचते थे तथा क्रय विक्रय किया करते थे। यूनानी लेखकों के विवरण से भारत के वैदेशिक व्यापार पर समुचित प्रकाश पड़ा है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत और यूनान के बीच आवागमन अत्यधिक बढ़ गया तथा दोनों देशों में व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान निर्बाध गति से प्रारंभ हो गया। तालमी के एक विवरण से विदित होता है कि भारत के पश्चिमी प्रदेशों के लोगों ने मिलकर 2000 नौकाएं बनाई थी जिनका उपयोग वे निकास जाने के लिए करना चाहते थे। उन नौकाओं पर लादकर 8 सहस्त्र यात्री सहस्त्रों अश्व और प्रचुर मात्रा में अन्य अनन्य पदार्थ निष्कासन भेजे गए थे। एक दूसरे यूनानी लेखक प्लिनी का कथन है कि भारतवासी नौकाओं और पुतों के निर्माण में अत्यंत सिद्धहस्त थे। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है नौकाओं और पोतों का निर्माण भारत में बहुत पहले से होता आ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के अतिरिक्त पूर्व वैदिक युगीन आर्य नाव और पोत बनाने में निपुण थे जिसमें कभी कभी सौ सौ पतवारे हुआ करती थी तथा अनेक चालक संयुक्त हुआ करते थे। मेघस्तनीज ने तामपल्ली के संदर्भ में लिखा है कि वहां भारत से अधिक स्वर्ण मोती एवं मूल रत्न मिलते थे। धर्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने महामात्यों को वहां भेजा था। स्ट्रैबो के उल्लेख से ज्ञात होता है कि मिस्र के टालमी शासकों के युग में अनेक यूनानी भारत की यात्रा किया करते था, विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मिस्र के शासक फिलाडेल्फ द्वितीय जिसका समय काल है 285 ईसा पूर्व से लेकर 246 ईसा पूर्व ने व्यापारियों आदि के लिए स्वेज नहर को खोल दिया जिसमें से पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार का यथेष्ट विकास हुआ। जिसमें मौर्य राजवंश के काल में भारत का पश्चिमी देशों से संपर्क और आदान प्रदान बहुत बढ़ गया मतलब बहुत बड़ा। उस समय व्यापारिक संबंध के साथ राजनीतिक संबंध भी बढ़ा। यूनानी लेखक मेघस्तनीज सम्राट चंद्रगुप्त की राजसभा में वर्षों रहकर यहाँ के सांस्कृतिक जीवन का विवरण तैयार करता रहा। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्स द्वितीय ने सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। सीरिया के शासक एंटीओकस
मतलब एंटियोकस ने बिंदुसार, एंटियोकस से मतलब सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार का अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। उसने सीरिया के शासक से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक मांगे थे, जिस पर उसने कहा था कि मदिरा और अंजीर तो भेज सकता हूँ किंतु दार्शनिक नहीं, क्योंकि दार्शनिकों को बेचने की मेरे देश में कोई परंपरा नहीं है तथा देश में उनका स्थान अत्यंत प्रतिष्ठित है। अशोक के काल में तो यह संबंध और भी घनिष्ठ तथा प्रगाढ़ हुआ। उसके 13वें शिलालेख से उसके 13वें मतलब अशोक के 13वें शिलालेख से विदित होता है कि उसने सीरिया के शासक एंटियोकस, मिस्र के शासक टोलमय मतलब टालमी फिला डेल्फस, मेसिडोनिया के शासक अंतकीन मतलब एंटीगोनस, सिरोनी के शासक मग मतलब मगस और एपिरस के शासक अली सुंदर मतलब अलेक्जेंडर की सभा में अपने दूत भेजे थे। जिन देशों में उनके दूत नहीं जा सकते थे उन देशों में भी उसके धर्म वृत्तांत को सुनकर उसका अनुसरण किया था। इन देशों से उनका तात्पर्य संभवतः ब्रह्मा और चीन देश से था। कौटिल्य ने विदेशी व्यापार से संबंधित अनेक विषयों पर विचार किया और किया है। नवाध्यक्ष नामक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नदी, समुद्र आदि सभी जलमार्ग आते थे। वह समुद्र, नदी आदि के तट पर बसे हुए लोगों से राजकीय कर लेते था या लेता था। अर्थशास्त्र में उसके लिए कहा गया है कि वह दिग्भ्रम और तूफानों से क्षतिग्रस्त नौकाओं की रक्षा पिता के समान करता था। नौका पर लदे हुए माल के पानी से भीग जाने पर वह उसका कर छोड़ देता अथवा माल की स्थिति के अनुसार कम कर देता। बंदरगाह पर पहुंचते ही व्यापारियों का माल वह बाजार में भेज देता था। चलती हुई नौका जब शुल्क क्षेत्र में पहुंचती थी तब वहीं शुल्क ले लिया जाता था। मार्ग में मिलने वाले चोरों और डाकुओं की नौकाओं को वह नष्ट कर देता था। इसके साथ ही वह शत्रु देश को जाने वाली तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली नौकाओं को भी विनष्ट कर देता था। राजकीय कार्यकर्ता यह सर्वदा ध्यान रखते थे कि व्यापारियों का सामान बाजारों में सुरक्षा पूर्वक पहुंच जाए तथा वस्तुओं के मूल्य जनहित के आधार पर नियंत्रित हो। पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि स्वदेश निर्मित और विदेश निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय में राज्य की ओर से भिन्नता रखी जाती थी तथा प्रजा का हित सर्वोपरि माना जाता था। व्यापार के निमित्त विदेश जाने वाले व्यापारी के लिए कौटिल्य ने अनेक निर्देश दिए हैं। उनका कथन है, कौटिल्य का कथन है कि पर्याध्यक्ष मतलब जो व्यापार का अध्यक्ष है, पर्याध्यक्ष के अधीन अपने देश का कोई व्यापारी विदेश में व्यापार करने जाए और वहां किसी वित्ती में पड़े जाए तो वह अपने माल और अपने शरीर की रक्षा करे। जब तक वह परदेश से स्वदेश न लौटे तब तक उस देश के राजा को प्राप्त सारा कर चुका कर वाणिज्य व्यवहार करता रहे। इसी प्रकार यदि कोई वणिक जल मार्ग से जाकर प्रदेश में वाणिज्य करे तो उसे यान भाटक मतलब नौका का भाड़ा, पथ्य दिन मतलब मार्ग में भोजन का खर्च, अब अपने और विदेशी माल के मूल्य का तारतम्य, यात्रा काल, भत प्रतिकार, मार्ग में चोरी आदि के भय को दूर करने का उपक्रम और पर्यपत्तन चारित्र मतलब जिस देश में जाना हो वहां का आचार व्यवहार में जानकार होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मदेश और सुमात्रा द्वीप के सुवर्ण कुंड स्थान में उत्पन्न दुकुल सूर्य की किरणों से रंग का होता है था। सुवर्ण कुंडे मतलब सुमात्रा द्वीप के सुवर्ण कुंडे नामक स्थान से उत्पन्न पत्रोल सर्वश्रेष्ठ होती थी। इसी प्रकार चीन देश में उत्पन्न चिनपट्ट नामक कौशेय भी था। ये उल्लेख इस बात के प्रमाण है कि 34वीं सदी ईसा पूर्व में ब्रह्म, सुवर्ण द्वीप, चीन आदि विभिन्न देशों से अनेक सुंदर वस्तुओं का आयात भारत में किया जाता था।
उस युग में चिनांशुक अथवा चीनी वस्त्र भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय थे। चिनांशु कालांतर में पश्चिमी उत्तर प्रांत के कुषाण राजवंश और दक्षिण के सातवाहन राजवंश के समय भारत का विदेश व्यापार अधिक समुन्नत हुआ। कुषाण राजाओं के समय भारत के व्यापारी मध्य एशिया तक जाते और भारतीय वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। यही नहीं, भारत के वस्त्र प्रसाधन सामग्री आभूषण आदि रोम के बाजारों में बिका करते थे और उन वस्तुओं के बदले में अपार स्वर्ण प्राप्त होता था भारत को। दक्षिण भारत के सातवाहन राजवंश के काल में भी भारतीय व्यापार का अनुपम विकास हुआ। सातवाहन मुद्राओं पर नौ पोतों के चित्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि तत्कालीन युग में भी समुद्री व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। उस युग में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों समुद्रों का समुचित उपयोग होता था। 45 ईस्वी के लगभग हिप्पलस नामक यूनानी यात्री ने हिंद महासागर में चलने वाली मानसून हवा का पता लगाया, जिससे मिस्र और भारत के बीच आने जाने वाले जहाजों को एक वर्ष के स्थान पर केवल 3 मास लगने लगा। फलतः भारत और पश्चिमी देशों के बीच का संपर्क और घनिष्ठ हुआ। मिस्र, रोम और यूनान आदि देशों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, प्रसाधन सामग्री आदि भारत से भेजी जाती थी। यूनानी लेखक प्लिनी लिखता है कि रोम के निवासी भारतीय सामानों को बहुत अधिक चाहते थे। वे अपार धन व्यय करके भारतीय वस्तुएं करते थे। ऐसा शायद ही कोई वर्ष हो जब भारतीय व्यापारी रोम से कम 5.5 करोड़ से स्तर न प्राप्त कर लेते हों। प्रसाधन संबंधित भारतीय सामग्री का उपयोग करके रोम की नारियां आकर्षण के केंद्र बनी तथा वे वहां के युवा वर्ग के राग और विलास को उद्दीपन करने लगी एवं रोम के युवा आनंद और विलासता में लिप्त रहने लगे। परिणाम स्वरूप रोम के सीनेट को भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। रोम की अनेकानेक मुद्राएं भारत के कोयम्बटूर और बंबई, मैसूर, मध्य प्रदेश आदि अनेक स्थानों पर मिली हैं, जो भारत और रोम के बीच स्थापित व्यापारिक संबंध दर्शाती हैं, मतलब दर्शाया करती हैं। सेवेल ने लिखा है कि दोनों के बीच स्थापित व्यापारिक संबंध 1 सदी ईसा पूर्व से 3 सदी ईसा पूर्व सेवेल ने लिखा है कि दोनों के बीच स्थापित व्यापारिक संबंध 1 सदी ईस्वी से 3 सदी ईस्वी तक अपनी चरम प्रकाष्ठा पर था। व्यापारियों के अतिरिक्त भारत से राजदूत भी रोम जाते थे। इस युग में चीनी और पूर्वी देशों में भी भारतीय व्यापार का प्रसार हुआ था, जहां भारतीय व्यापारी विभिन्न प्रकार के सामानों को बाजार में बेचते थे। बैक्टीरिया में रहने वाले चीनी राजदूत ने वहां के बाजारों में चीन के बांस और वस्त्र देखते थे और पूछने पर उसे पता लगा कि ये वस्तुएं भारतीय व्यापारियों द्वारा अफगानिस्तान के मार्ग से वहां पहुंची थी। चीन से भारत का राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बहुत पुराना था। दोनों की वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता था। चीन की 2 सदी ईसा पूर्व की मुद्राएं मशहूर से मिली है, जो भारत और चीन के निकट संबंध को व्यक्त करती है। चीन के अतिरिक्त ब्रह्मा, सुवर्ण भूमि आदि देशों में भारतीय व्यापारी जाते थे तथा अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करते थे। मिलिंद पनो, मतलब जो एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न में विवृत है, अर्थात वर्णन है कि भारतीय व्यापारी सुवर्ण भूमि में जाते थे और विभिन्न प्रकार, मतलब विभिन्न व्यापारी वस्तुओं के का क्रय विक्रय करते थे विभिन्न व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे एक सुवर्ण भूमि में जाकर। गुप्त युग में भी भारत के वैदेशिक व्यापार का सर्वोत्तम विकास हुआ था, जहां
यहाँ से विभिन्न वस्तुएं विदेशों में जाती थी और विदेशों में भी विभिन्न वस्तुओं का भारत में आयात होता था। पूर्वी देशों में बर्मा, चीन और सुवर्ण भूमि प्रमुख थे। चीन से चीनांशुक नामक कौशेय वस्त्र भारत के विभिन्न नगरों में लाकर बेचे जाते थे। कालिदास ने अपने ग्रंथों में चीनांशुक नामक वस्त्र का उल्लेख किया है। कंबोज देश से रघु को घोड़ों का उपहार मिला था, जिससे लगता है कि भारत में उस देश से घोड़े आयात किए जाते थे। पश्चिम के पारसिक और यवन जैसे देशों से भी घोड़े भारत में विक्रय के लिए लाए जाते थे। इसलिए उन देशों को अश्वसाधन कहा जाता था या कहा गया है। रघुवंश में वनायु तरंगों का उल्लेख है, जिसके विषय में कौटिल्य का कथन है कि वनायु देश के घोड़े युद्ध के उपयोग के लिए उत्तम होते थे। भारत में अरबी घोड़े सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। युद्ध आदि अनेक प्रकार के प्रयोजन के लिए ऐसे ही देश के घोड़े अच्छे माने जाते रहे हैं। पामीर की उपत्यका में स्थित कंबोज देश के अशोक की भी भारत जैसे देशों में अधिकाधिक मांग होती थी। इलायची, मिर्च, मसाले आदि पूर्वी द्वीपों से भारत आते थे, जिनकी भारत में काफी खपत थी। पहली सदी के इरीथिरियन सागर को पेरिप्लस नामक ग्रंथ में भारत में आयात होने वाली और भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का वर्णन हुआ है, जो भृगुकच भ्रौंच कल्याण जैसे पश्चिमी बंदरगाहों पत्तनों से तथा ताम्रलिप्ति जैसे पूर्वी बंदरगाहों से दूसरे देशों में भेजी जाती थी और दूसरे देशों से आने वाली वस्तुएं वहां उतारी जाती थी। उक्त पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है कि नंबनस के राज्य में निम्नलिखित वस्तुएं लाई जाती थी। पहला सुरा, इतालवी मांग अधिक है। लाओदिकी तथा अरबी टीन, सीसा, मूंगा, महीन मोटे विभिन्न प्रकार के वस्त्र, हाथ भर चौड़े चमकीले कमरबंद, कांच, सिंदूर, स्वर्ण रजत की मुद्राएं, अनेक प्रकार के मरहम अव मतलब अवहेल अवलेह अवलेह राजा के लिए अनेक प्रकार के उपहार, भेंट, चांदी के मूल्यवान बर्तन, गायक लड़के, अंतःपुर के लिए सुंदर युवतियां, पुरानी मदिरा आदि। इस प्रकार से केरल और पांड्य देश में बाहर से आकर उतरने वाली पल्ले वस्तुओं में प्रधान थी। बहुत अधिक यात्रा में आने वाली स्वर्ण और रजत मुद्राएं, चित्रित होने लिदेन, स्रौं, मूंगे, कच्चा, कांच, तांबा, टीन, सीसा, सूरा, सिंदूर, गेहूं आदि पूर्वी समुद्र के पत्तनों मतलब बंदरगाहों को भी पश्चिमी तट से ही सागर में चलने वाले पोत दामिरिका और पड़ोस के देशों तथा मिस्र से माल ले जाते थे। तत्कालीन युग में भारत से भी अनेकानेक वस्तुएं निर्यात की जाती थी। बड़े बड़े पोतों पर बैठकर भारतीय सार्थवाही प्रतिकूल वायु की बिना परवाह किए समुद्री तूफान जैसी अनेक कठिनाइयां झेलते हुए सुदूर देशों तक जाते थे। शाकुंतलम में एक स्थल पर वर्णित है कि हस्तिनापुर का एक प्रतिष्ठित सार्थवाह समुद्री तूफान के कारण अपने माल भरे पोत के साथ सागर में समा गया था। उस युग में भारत की विभिन्न वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती थी। सक स्थान, पुकलेस, कास्पा, पीरा, संभवतः कैप्सियन सागरवर्ती भूमि, पोरपनीसस हिंदुकुश, काबोलोतिस जैसे पश्चिमोत्तर प्रदेशों और चीन जैसे अनेक पूर्वी देशों से आया हुआ माल तथा भारत के विभिन्न प्रदेशों से इकट्ठा किया गया माल बेरीगाज भड़ौच में आता था और वहाँ से विदेशों को भेजा जाता था। जगदंत, गोमेद, लाल, मलमल मोटा वस्त्र, रेशम सूत, लंबी पीतपल आदि विभिन्न वस्तुएं भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से विदेशों को भेजी जाती थी। दक्षिण भारत के चोल और पांड्य बंदरगाहों से विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः थी गोल मिर्च, मोती,
गजदंत, पारदर्शी पत्थर, हीरा, नीलम और कछुए के आवरण। विदेशों के लिए चोल राज्य से मोती और महीन वस्त्र अधिक भेजे जाते थे। हिमालय के तलहटी में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं तथा काम रूप ढाका एवं गंगा के कांठे में बनने वाली महीन वस्त्र पूर्वी भाग के बंदरगाहों से विदेश जाते थे। हिमालय और सिंधु में पाई जाने वाली कस्तूरी, मुखस, मुसक, सैले और काली मिर्च मालाबार के बंदरगाहों से विदेशों के लिए पोतों पर लादी जाती थी। तेजपात, पीपल, काली और सफेद मिर्च, इलायची आदि कतिपय भारतीय वस्तुओं पर रोम सम्राट जुस्तीनियम ने कर लगाया था। अनेक प्रकार के सुगंधित और प्रसाधन सामग्री भी भारत मतलब से विदेशों को निर्यात की जाती थी। चंदन और केसर जैसी सुगंधित वस्तुएं तासिन, फुनान, तो चंपा, किया, ओची तथा अन्य द्वीपों में बहुत अधिक लोकप्रिय थी। बहुमूल्य रत्न, मूंगे और मोती तो विदेशी बाजारों में स्थान स्थान पर बिकते थे। लौह जैसी धातुओं के बने अनेक सामान भी विदेशों में मांगे जाते थे। भारत के हीरे टांग वंश के राजाओं के अत्यंत प्रिय रत्न थे। चीन के पोत दक्षिण पूर्व सागर के विभिन्न बंदरगाहों से होते हुए भारत के दक्षिण बंदरगाहों पर आकर रुकते थे तथा माल लाद कर फारस, अरब, अधूरे मतलब इथोपिया, अफ्रीका, मिस्र आदि देशों की ओर चले जाते थे। चीनी यात्री स्वांग चुआंग अर्थात वेन चांग के अनुसार पश्चिम में कपीसा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न वस्तुएं आती थी जो ईरान से होती हुई यूरोप तक जाती थी। इसी प्रकार पूर्व में ताम्रलिप्ति सर्वाधिक जाना माना बंदरगाह था, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए विभिन्न वस्तुएं भेजता था। अड़ाउच के मतलब उड़ीसा के विषय में स्वांग चांग लिखता है कि भारत के दक्षिण पूर्व सीमा पर समुद्र के निकट चरित्र नामक नगर था, जहाँ से सुदूर देशों तक भारतीय व्यापारी जाते थे और अन्य देशों से व्यापारी आकर वहाँ ठहरते थे। कादम्बरी में उल्लेखित है कि वार्षिक देश के राजा ने भारत के राजा के लिए इंद्रायुध नामक अश्व भेजा था। हर्ष की सेना में पर्शिया, वन, कंबोज, आर्क, भरद्वाज और सिंध के घोड़े थे। बाद में लिखा है कि तत्कालीन समाज में चिनांशुक नामक वस्त्र बहुत अधिक लोकप्रिय था। हर्ष के समय में भी भारतीय वस्तुओं की विदेशों में मांग थी। कागज, मसाले, कपूर, विभिन्न प्रकार के महीन वस्त्र, गुमेद, हीरा, पद्मराग आदि विभिन्न रत्न का प्रसाधन सामग्री, धातु के कलात्मक बर्तन आदि भारत से विदेशों में भेजे जाते थे तथा विदेशों से चिनांशुक जैसे वस्त्र, अश्व, मदिरा, स्वर्ण और रजत मुद्राएं भारत में प्राप्त की जाती थी। हेमचंद्र ने लिखा है कि अरब वनायु के घोड़ों का निर्यात भारत के लिए किया जाता था। अरब लेखक अल मसूदी का कथन है कि हाथी दांत जन्य मतलब चंजी बार से ओमन लाया जाता था वहां से भारत और चीन भेजा जाता था। पारसिया से भारत के लिए रंग मतलब कृत्रिम राग किरमदन लाया जाता था। 9वीं सदी के एक अरब यात्री ने लिखा है कि सैराफ के जहाज लाल सागर होकर मिस्र नहीं जाते बल्कि वे जद्दा से लौटकर भारत चले जाते थे, क्योंकि भारत और चीन के समुद्र में मोती और अमर होते हैं। पहाड़ों में रत्न और सोने की खाने हैं, वहां हाथी दांत है। पैदावार में आबनूस बेंते, जत, कपूर, लौंग, जायफल, बक्कम, चंदन अनेक सुगंधित द्रव्य होते हैं। तोते और मोर जैसे पक्षी और तथा वहां की भूमि से मुसक तथा कस्तूरी मिलती है। भारत से अरब जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख इन खुद्दार जबा ने किया है, जिसके अनुसार चंदन, कपूर, लौंग, जायफल, कवा, चीनी, नारियल, सन के कपड़े, रुई के मखमली कपड़े, हाथी दांत, लाल मोती, बिल्लौर
मालाबार से काली मिर्च, गुजरात से सीसा, दक्षिण से बक्कम और सिंध से कूट बांस और वेद इराक और अरब जैसे देशों में भेजे जाते थे। भारत में चीन का कौशेय वस्त्र बहुत पहले से आयात किया जाता था, जिसे चिनांकुश कहा जाता था। पूर्व मध्य युग में भी भारतीय लोग चीन के रेशमी कपड़े उपयोग में लाते थे। चीन से आने वाली टीन को चिउपट तथा लोहे को चीन कहा जाता था। इसके अतिरिक्त स्वर्ण और रजत जैसे अन्य धातु भी चीन से भारत आती थी। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो आदि द्वीप समूहों से अन्याय मसालों के अतिरिक्त गोल मिर्च, सुगंधित लकड़ी, लौंग, तमाल, मंदार आदि आते थे। व्यापारिक मार्ग स्थल और जल मार्ग भारत में प्राचीन काल से आंतरिक और बाह्य व्यापार के निमित्त स्थल और जल दोनों भागों का अनुसरण किया जाता था। आर्यों के भारत में आने से पहले भारतीय दूसरे देशों में जाकर अपनी विभिन्न वस्तुएं बेचते थे तथा वहां से भारत के लिए अनेक वस्तुएं लाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिम में सुमेर, बेबीलोन तथा आदि स्थानों से होकर मिस्र तक पहुंचते थे। स्थल मार्ग के अतिरिक्त वे समुद्र मार्ग का भी उपयोग करते थे। तत्कालीन युग में लोथल का विकास व्यस्त बंदरगाह के रूप में हुआ था। लोथल का विकास जहां पश्चिम के अनेक व्यापारिक पोत आया करते थे। हिंदू कुश की पहाड़ियों को लांघ कर पारसिया होते हुए भारतीय व्यापारिक पोत मध्य एशिया तक पहुंचते थे। अतः प्रागैतिहासिक काल से ही भारत में व्यापार और वाणिज्य उन्नति पर था। आर्य जब भारत में प्रविष्ट हुए तब उन्हें स्थल और जल मार्गों का पता चला। उन्होंने इन दोनों मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार का आरंभ ही नहीं किया बल्कि विस्तार भी किया। अनेक वाणिज्य पथों का निर्माण हुआ जिनके द्वारा भारतीय व्यापारी दूर दूर के प्रदेशों तक जाते थे। इसके निमित्त सरिताओं का भी उपयोग किया गया। सरिताओं मतलब नदियों का उपयोग किया गया था। छोटी बड़ी नावों पर माल लादकर दूरवर्ती स्थानों तक पहुंचाया जाता था। स्थल मार्ग पूर्व वैदिक युग के आर्य अपना व्यापार विशेषकर स्थल मार्ग से ही करते थे या किया करते थे। वे बैल, घोड़े, ऊंट, गधे और भैंसों पर सामान लादकर गंतव्य स्थान तक जाते थे। कभी कभी वे गाड़ियों और रथों का भी उपयोग करते थे। मार्गों और पथों से नगर और ग्राम जुड़े हुए थे तथा विभिन्न वस्तुएं लेकर लोग एक दूसरे स्थान पर जाते थे। उत्तर वैदिक काल तक भारत में अनेक राज्यों और नगरों का विकास हो चुका था। अलीन मतलब आधुनिक काफिरिस्तान पक्त मतलब आधुनिक पख्तून, भलान मतलब बोलन दर्रे की निवासी, शिव मतलब सिंधु के पास और विशाड़ीन मतलब दक्षिणी बिहार, विशाड़ीन मतलब नामक पंच जनों के अतिरिक्त गुरु पंचाल, कौशल अवध, काशी, विदेह मतलब उत्तरी बिहार, विदेह, मगध दक्षिणी बिहार, अंग पूर्वी बिहार आदि का विकास हो चुका था। ये सभी प्रदेश स्थल पथ द्वारा एक दूसरे से संबद्ध थे। पाणिनि ने अनेक वाणिज्य पथों का उल्लेख किया है जो एक नगर को दूसरे नगर से मिलाते हैं। उस समय वारी पथ, स्थल पथ, करीय पथ, अज पथ, सडंकु पथ, राजपथ मतलब राज्य पथ, सिंहपथ, हंसपथ, देवपथ आदि आवागमन के मार्ग विभिन्न नामों के रूप में साम्राज्य में प्रचलित थे। महानिदेश्य में भी निम्नलिखित पथों का उल्लेख है। वड़ियू पथ, अजपथ, मेड पथ, रंगुपथ,
सत्तपथ, वंशपथ, शकुड़पथ, मूषिक पथ, दरीय पथ और वित्तचार पथ। अजपद बहुत सकरा होता था जिस पर आमने सामने के व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते थे। एक बकरी ही किसी प्रकार उस मार्ग से चल सकती थी। पहाड़ी और चट्टानी मार्ग को शंकु पथ कहते थे। मूषिक पथ वह मार्ग था जिसे पहाड़ों में काटकर सुरंग की तरह बनाया जाता था। दरी पथ और चौड़ी सुरंगों का मार्ग था। वंशपथ और वित्ताचार पथ वे मार्ग थे जहां नदियां नदी के किनारे लगे बांस या बेंत को झुकाकर नदी के दूसरे तट पर पहुंचा जाता था। वरीपथ जल मार्ग था। रथ पथ को रथ्या भी कहते थे। करी पथ खुले मार्ग होते थे। राजपथ राज्य द्वारा निर्मित पक्के प्रशस्त और सुंदर मार्ग होते थे। द्रव्यक नामक वाणिज्य सार्वाहक सार्थवाहक द्रव्यक नामक वाणिज्य सार्थवाह के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लेकर व्यापार के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते थे। ऐसे सार्थवाह अपने आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पथों का अनुगमन करते थे। उस समय कांतार पथ के अंतर्गत कौशाम्बी से अवंती होकर दक्षिण में प्रतिष्ठान और पश्चिम में भरु कच्छ को संबंध करने वाला बिंद के विशाल वन क्षेत्र का मार्ग सम्मिलित था। अस्थल पथ में दक्षिण भारत को पांड्य देश से पूर्वी घाट और दक्षिण कौशल विख्यात होकर मतलब आने वाला मार्ग। पाणि ने उत्तर पथ का उल्लेख किया है जो उत्तर भारत का विख्यात मार्ग था। गंधार से पाटलिपुत्र तक के विस्तृत भूभाग को यह जो मार्ग जोड़ता था। इस मार्ग के पश्चिम का भाग वंशु से कैस्पियन सागर तथा काला सागर होता हुआ यूरोप तक चला जाता था। इसके पूरब का भाग गंधार की राजधानी पुष्कलवती होता हुआ तक्षशिला, सिंधु, सतुद्री और यमुना पार कर हस्तिनापुर, कान्यकुत, प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र को संयुक्त करता हुआ बंगाल प्रदेश के बंदरगाह ताम्रलिप्ति तक चला जाता था। यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक एक कोस पर सूचना देने वाले चिन्ह लगे रहते थे ताकि वे अपने मार्ग से भटक न जाएं। इस विशाल पथ का एक भाग तक्षशिला और पुष्कर और पुष्करवती से कपीसी होकर वहली तक पहुंचता था। दूसरा भाग इसके पूर्व में कंबोज तक चला जाता था जहां चीन की अनेक वस्तुएं आती थी। यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक था। पश्चिम और मध्य एशिया के अनेक देश इस मार्ग से संबंध थे। इस प्रकार देश में विभिन्न मार्गों का विकास हुआ जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक का मार्ग अधिक चलता था जिसके अंतर्गत साकेत, कौशाम्बी, एरिकीर, विदिशा, गुणर्द, उज्जैनी, महिष्मती जैसे नगर आते थे। श्रावस्ती के राजगिरी तक का भी व्यापारी मार्ग बन गया था। इस मार्ग के बीच में भी अनेक नगर बसे थे जहां व्यापारी रुककर क्रय विक्रय करते थे। सेतव्य, कपिल वस्तु, कुशीनगर, पावा, हस्तीग्राम, भंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालंदा नामक नगर इस मार्ग में पड़ते थे। मथुरा से विदिशा तक के व्यापारी का पथ विकास हो चुका था। इस पथ पर देवगढ़, कांतिपुरी, पद्मावती और तुम्बवन नगर बसे थे। स्थल मार्ग का प्रसार बौद्ध युग में भी हुआ तथा विभिन्न भागों के वणिक अनेकानेक मार्ग से व्यापार के लिए यात्रा किया करते थे। सुदूर पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक विशाल लंबा मार्ग था। मगध से मिथिला, वाराणसी, सहजाति और कौशाम्बी तक इसका उपयोग होता था। विदेश से कश्मीर और गंधार तक व्यापारी जाया आया करते थे। सिंधु के अश्वदेश के विभिन्न भागों में विक्रय के लिए ले जाए जाते थे। सौरवीर में अन्य स्थानों के अतिरिक्त मगध के सभी व्यापारी आते थे। व्यापारियों द्वारा रात्रि में राजस्थान जैसे मरुस्थल की यात्रा तारों के आधार पर की जाती थी। महाकाव्यों में भी स्थल मार्ग की विस्तृत चर्चा की गई है। रामायण में विविध है कि
अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यापारी निवास करते थे तथा विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उस समय अनेकानेक वस्तुएं लेकर दूर दूर तक व्यापारी आया करते थे। रामायण में उपलब्ध विभिन्न राज्यों और स्थानों के वर्णन से विदित होता है कि उस समय नगरों और राजधानियों को संयुक्त करने वाले अनेक प्रकार मार्ग थे जो व्यापारियों के लिए अत्यंत उपयुक्त और उपयोगी थे। महाभारत से भी विदित होता है कि जब दमयंती अपने पति नल से बिछुड़ गई थी तब वह सार्थवाह के साथ गंतव्य तक जाना चाहती थी। वह व्यापारी अपने मार्ग अपने मतलब अपने साथ के साथ सागर तक जाता था। भारत काल में भारत के संपूर्ण भूभाग और विख्यात नगर राजपथों से जुड़े हुए थे। रामायण में भरत द्वारा किए गए वर्णन से अयोध्या सहित अनेक स्थानों का उल्लेख है। इस प्रकार महाभारत में जब भीष्म की यात्रा का वर्णन किया गया तब हस्तिनापुर के साथ अनेक नगरों का संकेत मिलता है। महाभारत में कम्बोज, गंधार, वायलिक, प्राग ज्योतिष मतलब आसाम, अपरांत, पांडे, सिंधु आदि अनेक प्रदेशों का उल्लेख हुआ है जो निश्चय ही तत्कालीन संपर्क व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। इन स्थानों से विभिन्न वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान हुआ करता था। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों का अत्यंत विकास हुआ मतलब अत्यधिक विकास हो गया था। लंबे और प्रशस्त मार्गों का निर्माण किया गया था जिनसे होकर व्यापारी और सैनिक आया जाया करते थे। ठीक, सर्वाधिक लंबा और चौड़ा मार्ग पाटलिपुत्र से पुरुषपुर तक का था जो प्रायः 18,050 मील लंबा था। इस मार्ग के निकट राजगिरी, पाटलिपुत्र, काशी, कौशाम्बी, मथुरा तथा तक्षशिला जैसे नगर स्थित थे। मेघस्तनिज लिखता है कि मार्ग के आध कोस पर पत्थर लगे थे। उस युग में राजाओं को सरदा अच्छा और साफ रास्ताओं को मतलब राजाओं में रास्ताओं को होगा राजपथों को सर्वदा स्वच्छ और साफ रखा जाता था। अगर कोई उसे गंदा अथवा अस्वच्छ करता था तो उसे राज्य की ओर से दंड मिलता था। इस संबंध में कौंडिन्य ने लिखा है कि मार्ग पर यदि कोई कूड़ा फेंकता था तो उसे अष्टमास फल का दंड मिलता था। यदि उस पर कीचड़ और जल फेंकता है तो उसे चौथाई फल का दंड जाता था। यदि राजमार्ग पर ये दोनों चीज फेंकी जाती थी तो उसे दूना दंड देना पड़ता था। अशोक के समय देश के मार्गों और पथों का अथेष्ट विकास हुआ। अशोक के पदाधिकारी वर्षा काल को छोड़कर प्रत्येक मौसम में लोक हित के लिए साम्राज्य का भ्रमण किया करते थे। अशोक का कलिंग पराक्रमण पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच के पथ का दिग्दर्शन कराता है और अशोक द्वारा देश के विभिन्न भागों में खुदवाए गए विभिन्न अभिलेख उसके समय के विकसित मार्गों का परिचय कराते हैं। लुम्बिनी, बोधगया आदि विभिन्न स्थानों की स्वयं अशोक ने ही यात्रा की थी। अशोक के स्तंभ मिर्जापुर के चुनार की पहाड़ियों से पत्थर काट कर बनाए गए थे और विशाल गाड़ियों पर रख कर दूरवर्ती स्थानों तक ले जाए और खड़े किए गए थे। अतः उस समय पथ अत्यधिक प्रशस्त भी होते थे। सार्थवाह लंबी लंबी यात्राएं करते थे जिसमें वे रथ, सार्थ, बैलगाड़ी, घोड़े, ऊंट आदि का उपयोग करते थे। मार्गों में स्थान स्थान पर कुएं बने होते थे जहां थके हारे वणिक बैठकर जल पीते थे, विश्राम करते थे। इस प्रकार पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग में अनेकानेक कुएं पड़ते थे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि तत्कालीन युग में व्यापार आदि के निर्मित आने जाने वाले लोगों के लिए थोड़े अंतर पर पानी पीने के लिए कुएं की व्यवस्था की गई थी। व्यापारी खाद्य सामग्री अपने साथ ले जाते थे जिसका वे मार्ग में उपयोग करते थे। पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग के बीच में मथुरा, अयोध्या, कौशाम्बी आदि कई नगर पड़े थे। उत्तर पथ का यह मार्ग अत्यंत प्रचलित और प्रख्यात मार्ग था जो पश्चिमी सीमा प्रांत से होते हुए पाटलिपुत्र तक जाता था और पाटलिपुत्र से यह मार्ग पूरब की ओर ताम्रलिपि तक प्रायः सभी
वड़ी इसी पथ का उपयोग करते थे। यह पथ अत्यंत सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बना हुआ था। मौर्य युग में पथों और मार्गों की सुनियोजित व्यवस्था होती थी, जिसकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। मेघस्तनिज का कथन है कि सड़कों पर हर 10 विरामों के बाद दूरी दर्शक और मार्ग निर्देशक लगे होते थे। निश्चय यह क्रम बाद तक चलता रहा था। इससे उस मार्ग पर चलने वाले व्यापारियों को स्थान की दूरी के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाती थी। कालांतर में शुंगों और सातवाहनों के युग में भी वणिक पथों का विस्तार हुआ तथा दक्षिण के विभिन्न नगर दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर के नगरों से भी जोड़ दिए गए। गुप्तों के काल में आकर ये पथ और भी विकसित हुए। समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय स्थल मार्ग को अपनाकर अहिच्छत्र और बुंदेलखंड से प्रारंभ करके कोसल, मकरान, महाकांतार, कौशल मतलब महागंधार, कौशल आधुनिक गंजाम, पिष्टपुर गोदावरी के निकट का प्रदेश, कोट्टूर मतलब विशाखापट्टनम के निकट, इरंडयल मतलब उड़ीसा का समुद्री तटीय भाग, कांची मतलब आधुनिक कांजीवरम, अवमुक्त मतलब गोदावरी के तट पर स्थित, वेंगी मतलब कृष्ण और गोदावरी नदी के बीच का भूभाग, पालक मतलब कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित, देवराष्ट्र मतलब विशाखापट्टनम, कुस्थलपुर मतलब उत्तरी अकार्ट प्रदेश तक किया था। इस अभिलेखीय विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उस समय उत्तर से दक्षिण तक ऐसा मार्ग अवश्य रहा होगा जिससे यह एक विशाल सेना जा सकी होगी। कालिदास के महाराज रघु की दिग्विजय समुद्रगुप्त जिससे एक विशाल सेना जा हाँ कालिदास ने महाराज रघु की दिग्विजय समुद्रगुप्त की दिग्विजय के आधार पर ही चित्रित की है। अजभेजों के राज्य भोजपुर में भी ऐसा ही एक मार्ग जाकर मिला था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उदयगिरी गुहा अभिलेख से विदित होता है कि उसने मालवा के शकों को पराजित किया था। उसने मालवा पर यह अभियान पाटलिपुत्र से आकर किया था, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग की ओर इंगित करता है। पेरिप्लस में लिखा है, पेरिगाज मतलब भरोस से पूर्व की ओर ओजेन मतलब उज्जैन नामक नगर है, जो पहले राजधानी थी, वहां राजा रहता था। उस स्थान से पेरिगाज तक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा भारत के अन्य भागों में भेजे जाने के लिए प्रत्येक वस्तुएं लाई जाती थी। गुप्त युग में उज्जैनी एक प्रसिद्ध नगरी थी तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय वह द्वितीय राजधानी के रूप में विख्यात हो थी। केंद्र स्थल में होने के कारण वह भारत के अन्य वाणिज्य पथों से भी जुड़ी हुई थी। उस युग में यात्रा के मार्ग अत्यंत सुरक्षित होते थे तथा लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे, जैसे कि आजकल हम लोग लॉकडाउन में आया जाया करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के युग में आने वाले चीनी यात्री फसे या फरियान में पश्चिमी भारत के से पूर्वी भारत तक के विभिन्न नगरों और स्थानों का भ्रमण किया था, किंतु मार्ग में वे कहीं भी असुरक्षित नहीं था। गुप्तों के शासन के उपरांत स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी थी। देश से सुरक्षा और अभय का वातावरण समाप्त हो चुका था। 7वीं सदी में हर्ष के काल में आने वाले चीनी यात्री स्वानचुआंग, जिन्हें हम वेनसांग कहते हैं, को भारत भ्रमण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मार्ग में वह चोरों द्वारा लूटा भी गया। एक स्थल पर तो डाकू ने उसे देवी के समूह बलि चढ़ाने तक का निश्चय कर लिया था, किसे स्वान चौंग को, किंतु किसी तरह उनके प्राण बच गए। किंतु हर्ष के युग तक आकर सभी नगर और तीर्थ स्थल अनेक पथों और मार्गों से संबंध हो गए। गुप्त युगीन स्थल मार्ग इस युग में और विकसित हुए पाटली से भरौच मतलब गुजरात में स्थित तक राजकीय मार्ग बना हुआ था। भरौच जैसे बंदरगाहों पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उत्तर भारत के प्रायः सभी नगर पथों से जुड़े होते थे। पश्चिम में तत्सिला से लेकर थानेश्वर, मथुरा, कौशाम्बी, काशी, पाटलिपुत्र आदि नगरों से
होता हुआ राजपथ पूरब में ताम्रलिपि तक जाता था। इस संबंध में ह्वान च्वांग ने अत्यंत विस्तृत विवरण दिया है, जो समकालीन वाणिक पद के अनुसार प्रसार का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। गांव के मार्ग भी नगरों से संबंध होते थे, जहां नगर के माध्यम से अनेकानेक अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त कर ली जाती थी। देश के प्रत्येक नगर विभिन्न मार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्यापारिक समूहों में यात्रा करते थे तथा अभीष्ट स्थान तक पहुँचने में उन्हें महीनों लग जाते थे। वे अपने मार्ग प्राय घोड़ों गधों तथा बैलगाड़ियों पर लाद कर चलते थे। सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही वाणिक के बड़े बड़े समूहों में चलते थे। एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करते थे। समूह में चलने वाले ऐसे व्यक्तियों को सार्थवाह कहा जाता था। ऐसे सार्थवाहों का आना जाना भारत में प्राचीन काल से रहा है। पूर्व मध्य युग में ऐसे सार्थवाह लंबी लंबी यात्राएं करते तथा विपुल धन अर्जित करते थे। वे अपने साथ भोजन पानी और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके चलते थे। मगध से तिब्बत जाने का भी मार्ग था। विशेषकर बौद्ध भिक्षु भी ही इसका उपयोग करते थे। भारत से नेपाल जाने के लिए भी मार्ग था। वह मार्ग आसाम को भी स्पर्श करता था। संभवतः यह मार्ग चीन की ओर भी जाता था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत की ओर का वाणिज्य पथ अत्यधिक लोकप्रिय था। भारतीय व्यापारी तक्षशिला के हिंदुकोश लांग कर ईरान जाते थे, जहां से व्यापार शिया होते हुए आकस की रमणीक घाटी में पहुंचते थे। वह मार्ग यूरोप की ओर जाता था। बगदाद और पंजाब के बीच का पथ मुसलमान व्यापारियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक था, जो देवल मतलब आधुनिक कराची को भी संबंध करता था। इब्न खुरदाजबा ने पारसिया और सिंधु को जोड़ने वाले मार्ग का उल्लेख किया है। अल-बिरूनी ने 11वीं सदी के भारत के विभिन्न प्रदेशों और नगरों को जोड़ने वाले मार्गों की विस्तृत से चर्चा की है। उसके अनुसार एक मार्ग कन्नौज से प्रयाग तथा तत्पश्चात पूर्वी तट तक जाकर दक्षिण में कांचीवरम तक जाता था। दूसरा मार्ग कन्नौज या बारी से वाराणसी और तत्पश्चात गंगा के मुहाने तक जाता था। तीसरा मार्ग कन्नौज से लेकर पूर्व में कामरूप और उत्तर के सीमावर्ती प्रदेश नेपाल और तिब्बत तक पहुंचता था। चौथा मार्ग कन्नौज से दक्षिण की ओर जाकर दक्षिण तट पर स्थित वनवासी मतलब दक्षिण के कंबोज राजवंश की राजधानी को जोड़ता था। पांचवा मार्ग कन्नौज से बजान मतलब नारायण तक और तत्पश्चात गुजरात की राजधानी तक जाता था। छठा मार्ग मथुरा से धारा मतलब मालवा की राजधानी तक पहुंचता था। सातवां मार्ग धारा से उज्जैन को संयुक्त करता था। आठवां मार्ग धारा से होकर मंदगिरी मतलब गोदावरी तक जाता था। नवा मार्ग धारा से पश्चिम की ओर समर सागर तटीय कान मतलब आधुनिक गोदान को जोड़ता था। दसवां मार्ग बजान से काठियावाड़ा के दक्षिण तटीय सोमनाथ तक फैला था मतलब सोमनाथ तक जाता था। ग्यारहवां मार्ग अनिलवाड़ा मतलब अनिल पाटन से बंबई के पश्चिम तक तक जाता था। बारहवां मार्ग बजान से भाटी मतलब भट्टीड़ा से होते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित लोहरानी मतलब संभवतः कराची तक जाता था। तेरहवां मार्ग कन्नौज से कश्मीर तक जाता था। चौदहवां मार्ग कन्नौज से पानीपत अटक काबुल और गजन तक पहुंचता था। पंद्रहवां मार्ग बब्रहान से अधिष्ठान मतलब कश्मीर की राजधानी तक जाता था। सोलहवां मार्ग मकरान स्थित तीज से सेतु बंद पहुंचता था। अतः इस वर्णन से स्पष्ट है कि संपूर्ण भारत में एक दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए विभिन्न मार्ग थे, जो मध्ययुगीन भारत में भी प्रचलित थे। उन मार्गों से विविध सामग्री सुदूरवर्ती नगरों और प्रदेशों तक पहुँचाई जाती थी। उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रमुख नगर कन्नौज था, जो विभिन्न स्थानों और नगरों को जोड़ने वाले मार्ग का केंद्र स्थल था। 12वीं सदी के लेखक हेमचंद ने अनेक वाणिज्य पदों का उल्लेख किया है। शंकुट पथ पहाड़ी मार्ग कठिन पथ होता था, जिस पर लोहे के कील ठोक ठोक कर चढ़ा जाता था। उत्तर पथ ऐसा विस्तृत मार्ग था, जो राजगिरी से गंधार तक जाता था। वहां से यह पथ कैप्सिन सागर होता हुआ हस्तिनापुर खानिकोज प्रयाग और पाटली मतलब होता हुआ सागर
काला सागर लाख का यूरोप तक जाता था। इस मार्ग का पूर्वी भाग जो है तक्षशिला होता हुआ हस्तिनापुर कान्यकुब प्रयाग और पाटलिपुत्र को संयुक्त करता हुआ ताम्रलिपि तक चला जाता था। इस प्रधान मार्ग के अतिरिक्त कांतार पथ, स्थल पथ, अज पथ और वारी पथ भी थे। अब हम लोग देखेंगे जल मार्ग, नदी और समुद्र तट। जल मार्ग अर्थात नदी और समुद्र द्वारा आंतरिक और बाह्य व्यापारों के लिए जलमार्ग का भी उपयोग किया जाता था। देश के अंदर विभिन्न नदियों के माध्यम से वणिक अपने सामान दूर दूर के नगरों तक पहुंचाते थे। बड़ी बड़ी नावों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी जो आवश्यकता अनुसार समुद्र तक पहुंचाई जाती थी, जहां से वे विदेशों को भेजी जाती थी। भारत में छोटी बड़ी अनेक नदियां होने के कारण व्यापारियों को अपना माल गंतव्य स्थान तक ले जाने में बड़ी सुविधा होती थी। सिंधु विस्तस्ता मतलब झेलम, अस्किनी मतलब चेनाब, परुसुणी मतलब रावी, विपाशा मतलब ब्यास, सतुद्री या सतद्रुम मतलब सतलज और सरस्वती आदि नदियां पंजाब में, गंगा यमुना सरयू गोमती आदि नदियां उत्तर भारत में, ब्रह्मपुत्र असम में तथा नर्मदा गोदावरी कृष्णा आदि नदियां दक्षिण भारत में बहती रही हैं। व्यापार के लिए वाणिक प्रागैतिहासिक काल से उपयोग में लाते रहे हैं इन नदियों को। ठीक, व्यापारिक वर्ग। पूर्व वैदिक युग में भी सामुद्रिक व्यापार प्रचलित था। आर्य लोग बड़ी बड़ी नौकाओं और पोतों का निर्माण करते थे। नदियों के साथ साथ वे समुद्र की भी यात्राएं किया करते थे। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का संदर्भ आया है जिसका अर्थ सागर ही है। सरस्वती नदी बहती हुई सागर में जाती थी। समुद्र से प्राप्त होने वाले धन का भी उल्लेख हुआ है। एक स्तर पर विवृत है कि तुंग ऋषि के पुत्र भुज्जू का पोत जहाज समुद्र में डूब गया, जिससे वह था जल में गिर पड़ा। उसकी प्रार्थना पर वहां से 100 डांडों से युक्त जहाज में अश्विनी कुमार ने उसका उद्धार करके उसकी जान बचाई। कभी कभी मनोरंजन आता बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति के लिए समुद्र की यात्रा की जाती थी। समुद्र से मोती निकाल कर व्यापार किया जाता था। ऋग्वेद में एक स्थल पर एक ऋषि अपने देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हमारे आनंद और कल्याण के लिए हमें जहाज में समुद्र हमें जहाज में समुद्र पार ले चलो। यही नहीं, वशिष्ठ की समुद्र यात्रा की का भी वह विवरण मिलता है। ऋग्वेद के कई मंत्रों से विदित होता है कि वरुण जल देवता था और उसका जल पर आधिपत्य था। उसे समुद्र के मार्ग का भरपूर ज्ञान था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से सामुद्रिक व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। मोती पैदा करने वाले सीप समुद्र में से लाए जाते थे। उस समय समुद्री यात्रा में 100-100 डांडों वाले पोत प्रयुक्त होते थे। बौद्ध साहित्य से विदित होता है कि भारतीय व्यापारियों की यात्राएं ताम्रपर्णी और सुवर्ण भूमि के साथ साथ भृगु कच्छ से होती हुई सुमेर और बेबीलोन तक जाती थी। ताम्रपर्णी लंका मतलब सुवर्ण भूमि वर्मा थे, बर्मा आदि के देशों में जाकर वे अपार धन अर्जित करते थे। वाणिक प्राय नदियों से समुद्र तक पहुंचते थे। ठीक, एक जातक में उल्लेखित है कि एक वाणिक पोत बेचा गया था जिससे एक नवयुवक ने क्रय कर 2,00,000 मुद्राओं का लाभ प्राप्त किया था। जलपोतों का निर्माण लकड़ी के तख्तों से किया जाता था जिन्हें पदरानी कहते थे। यहां पर लघु मतलब हर्ष मात्रा है रानी में, पदरानी। जहाजों में रस्से यतानी मस्तूल मतलब कुपक लंगर लगाकर लंबी लंबी पतवारें होती थी। महासमुद्र में पोत का संचालन करने वाले संचालक अत्यंत कुशल होते थे। नदियों और खानियों के ऊपर बहुधा सेतु का निर्माण किया जाता था जिससे सामान आसानी से पार किया जा सकता था। रामायण से विदित होता है कि शत्रु के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए गुहक ने अपने कैवर्तों का 5,500 नावें लाने का निर्देश दिया था। समुद्र के थपेड़ों से व्यापारियों के पोत कभी कभी भग्न हो जाया करते थे। ठीक, मौर्य युग में समुद्र और नदी मार्गों को देख रेख के लिए नाव अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। वह जल मार्ग का उपयोग करने वालों से कर का ग्रहण करता था, उन्हें यातायात की सुविधाएं देते थे। तत्कालीन युग में भारत के मोती ही पश्चिम के अनेक देशों में निर्यात किए जाते थे। मौर्य शासकों का सांस्कृतिक संबंध पश्चिम के देशों से ही नहीं बल्कि कतिपय पूरब के देशों से भी था। इसमें सामुद्रिक मार्ग का बड़ा ही महत्व था, योग था। पतंजलि ने अनेक प्रकार के यात्रियों का उल्लेख किया है। उनमें पथिक, पाठक और
पांत प्रधान थे। साधारण यात्री पथिक कहा जाता था, कुशल और प्रवीण यात्री पथक कहा जाता था, तथा निरंतर यात्रा करने वाला यात्री पांत्य। ठीक, पहली सदी ईसा पूर्व में मिस्र से प्रायः 3 मास के भीतर जहाज भारत पहुंच जाते थे। पश्चिम देशों और भारत के बीच पोतों का आना जाना बराबर होता था। भारतीय व्यापारी रोम और ईरान तक जाते तथा वहां की यात्रा भारत आते थे, यात्री भारत आते थे। ऐसे व्यापारी अपनी वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान करते थे। इस क्षेत्र में हिप्लस नामक यूनानी यात्री का महत्वपूर्ण योग है। उसने हिंद महासागर में चलने वाली मानसून हवाओं का पता लगाया था। किसने मानसून हवाओं का पता लगाया था? तो हिप्लस, जो यूनानी व्यापारी था, यात्री था हिप्लस। ठीक, तथा उसके अनुरूप पोतों को चालित करने के लिए सलाह दी हिप्लस ने। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों में ईरान, मिस्र आदि देशों के व्यापारी आया करते थे। इस बंदरगाहों में द्वारावती, रोचक और सुरपारक और बरुकच्छ प्रसिद्ध थे। सुगंधित और प्रसाधन सामग्री, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण तथा अनेक रत्न और मोती, रोम आदि और मिस्र जैसे अनेक पश्चिम के देशों में भारत द्वारा निर्यात होते थे, तथा वहां से स्वर्ण मुद्राएं भारत में प्राप्त की जाती थी। रोम की अनेक स्वर्ण मुद्राएं दक्षिण के प्रदेशों से मिली है। भारत में निर्मित तलवार, भाले, धनुष, बाण आदि यूनान, ईरान, मिस्र आदि देशों में भेजे जाते थे। मनु ने ऐसे पोतों और नावों का उल्लेख किया है जो व्यापारिक वस्तुएं दूर दूर तक ले जाते थे। कभी कभी नाव चालकों की उपेक्षा के कारण समय नाव ही नष्ट हो जाता था। ऐसी स्थिति में माल की पूर्ववर्ती नाव चालक करते थे। समुद्री यात्री को सुनने से समुद्रयाई कहा है। स्टैबो को उल्लेख से विदित होता है कि 120 भारतीय जलपोतों को उसने ईरान और अरब के देशों से होकर मिस्र की ओर जाते हुए देखा था। कुषाणों और सातवाहनों के युग में समुद्री व्यापार का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ। सातवाहन वंशी शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने जहाज प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन भी किया था, जो उस काल के सामुद्रिक व्यापार के प्रसार का चित्रण करती है। कुषाण शासकों की अनेक मुद्राएं रोम के राजाओं के सिक्कों के सदृश निर्मित की गई थी। रोम के शासकों की स्वर्ण मुद्रा प्रायः 2 गेंद की होती थी। इसी के अनुकरण पर विक्रमादाफिस और कनिक्स जैसे शासकों ने इतने ही वजन का सिक्का अपने साम्राज्य में चलाया था। भारत का चीन के साथ व्यापारिक संबंध बहुत पहले से था। इसके साथ ही स्वर्ण भूमि से भी व्यापार होता था। जैसा ऊपर विवरित किया गया है कि दूर दूर तक जाने वाले व्यापारियों अथवा वाणिज्यों समूह को सार्थ की संज्ञा दी गई थी, तथा उनके श्रेष्ठ व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारी प्रायः समूहों अथवा दलों में ही यात्रा किया करते थे, ताकि वे जंगली जानवरों और डाकुओं से अपनी सुरक्षा एक साथ मिलकर कर सकें। सार्थवाह पथ प्रदर्शक और नेता के रूप में अपने व्यापारियों के समूह को सकुशल और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सहायक होता था। ऐसे सार्थवाह जलपोतों से देश के बाहर भी जाया करते थे, तथा अनेक वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। सार्थ का व्यापार के लिए चलना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। उसका नेता अथवा ज्येष्ठ व्यापारी बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ, साहसी, दूरदर्शी संगठन करता, वस्तुओं के क्रय विक्रय में निपुण तथा देश विदेश के मार्गों से परिचित होता था। महोदधि तट पर स्थित ताम्रलिपि से चलकर सातवा यवद मतलब जावा और केडा से होता हुआ सुवर्ण भूमि जाता था। कभी कभी सातवाही के पोत पूर्वी द्वीप से सुदूर पश्चिम की ओर चल पड़ते थे, तथा विशाल हिंद महासागर को लाभते हुए मिस्र और यवन देश की ओर बढ़ते थे। सुवर्ण द्वीप और ताम्रलिपि के वाणिज्य का उल्लेख सोमदेव ने किया है। पद्मिनी खेट पट्टन का रहने वाला भद्रमित्र अपनी तरह अनेक वणिक पुत्रों के साथ सुवर्ण द्वीप की ओर
प्रस्थित हुआ था। वहां उसने और उसके साथी व्यापारियों ने व्यापार से प्रचुर धन अर्जित करने के पश्चात स्वदेश के लिए यात्रा प्रारंभ की, किंतु मार्ग में समुद्री तूफान के कारण जलपोत नष्ट हो गया और वह एक काष्ठ फलक का सहारा पाकर अकेला ही बच सका। सोमदेव द्वारा विविध एक दूसरी कथा से विदित होता है कि जीन भद्र ने अपनी समस्त वस्तुएं सूर्य नामक व्यक्ति के सुपुर्द पर बही यात्रा मतलब विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। इस प्रकार अनेक परदेशी सार्थ भी व्यापार के निमित्त भारत आते थे तथा विभिन्न स्थानों पर जाकर व्यापार किया करते थे। यस्तिलिक के एक विवरण से ज्ञात होता है कि खेतों में काम करने के लिए जाने वाली अयोध्या जनपद की कृषक उन्हें अपनी चंचलता और विलासिता से विदेशी सार्थों के नेत्रों के क्षण भर के लिए अतिशय सुख प्रदान करती थी। स्पष्ट है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश में विदेशी व्यापारी आया जाया करते थे। गुप्त युग में जलमार्ग अत्यधिक प्रचलन हुआ। गुप्त युग में जलमार्ग का देश के आंतरिक व्यापार में नदियों का उपयोग किया जाता था, जिसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार के नामें चला करती थी। जिस प्रकार सभी उत्तरी भारत में सिंधु, रावि, चिनाब, गंगा और सरयू जैसे नदियों के तट पर लगी नामें लोगों का पार उतारती थी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाती थी, उसी प्रकार दक्षिण भारत के नर्मदा और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ तट के पर लगे लोगों के आने जाने के लिए नावों में रहा करती थी। उन नदियों में कालिदास ने लिखा है कि व्यापारियों के कारवां पहाड़ी मार्ग में इस प्रकार चलते थे जैसे वे उनके भवन हों। नदियों पर ऐसे विहरते थे मानो वे कूप हों तथा वनों के मार्ग में ऐसे जाते थे जैसे वे वन न होकर उपवन हो। अतः देश के विभिन्न स्थानों पर बहने वाली नदियों के माध्यम से अनेक तरह के व्यापार भी बढ़े। बड़े बड़े जलपोतों, सागरों और महासागरों में चलते थे। जो जलपोत थे सागर महासागर में चलते थे, सीधी सीधी बात है। कल्याणी, सुपारक तथा भृगु कच्छ से प्रारंभ होकर यह जलमार्ग फारस की खाड़ी में पहुंचता था, जहां से वह मिस्र को संबद्ध करता था। फायान ने लिखा है कि चीन लौटते समय जब उसने समुद्र की यात्रा प्रारंभ की तब उसके साथ अनेक भारतीय सहयात्री थे। इसमें भागवत मतलब वैष्णव धर्म के अनुयायी भी थे जो उनके प्राणों के लिए संकट बन गए, क्योंकि समुद्र में तूफान आने पर लोगों ने कहा कि बौद्ध चीन यात्री के जहाज पर होने के कारण ही तूफान आया है, अतः उसे पोत से उतार देना अथवा जल में फेंक देना चाहिए। बाली, सुमात्रा, जावा, सुवर्ण भूमि जैसे देशों में भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग से जा सकने में समर्थ थे। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का विकास इसी युग में तीव्रतम हुआ। स्वान च्वांग अर्थात वेन सांग ने लिखा है कि हर्ष का राज्य चारों ओर से नदियों और समुद्रों से संगठित था। मलकूट में ऐसा बंदरगाह था जिसके सहारे लंका था अन्य देशों से व्यापार किया जाता था। पारसिया के शासक ने अपने पुत्र को मित्रा के लिए चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ भेजा था, जिसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया गया था। उस काल में अनेक भारतीय पारसिया में जाकर बसने लग गए थे। राजपूत काल में जलमार्ग का तदावत महत्व बना रहा। आंतरिक व्यापार नदियों से होता था तथा माल भरी बड़ी बड़ी नावें उसमें चलती थी। बड़े बड़े नगर नदियों से जुड़े थे जहां क्रय विक्रय तथा वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सामुद्रिक व्यापार भी उस युग में अपने उत्कर्ष पर था। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अनेक व्यापारी पोत चला करते थे। मिस्र और अरब से होकर जलपोत भारत आते थे तथा भारत से चीन और पूर्वी द्वीप समूह तक जाया करते थे। अरब लेखकों ने चीन के जलपोतों को अदन की ओर से जाते हुए उल्लेखित किया है। अबू जैदो के उल्लेख से विदित होता है कि 9वीं सदी के 8वें दशक में चीनी कुछ आंतरिक संघर्ष में पड़ा हुआ था, जिससे उसका सामुद्रिक व्यापार अस्त व्यस्त हो गया था। प्रलय प्रायद्वीप से होकर चीन और अरब
देशों के बीच जलपोतों का आना जाना होता था। 12वीं सदी और उसके बाद में आकर चीनी जलपोतों का दक्षिण पूर्व एशिया के सागर पर पूर्ण आधिपत्य हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप अरब जलपोतों का हिंद महासागर से होकर दक्षिण पूर्व एशिया में आना जाना कम हो गया। फारस की खाड़ी और लाल सागर व्यापारिक मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुट चुके थे, जिसका सर्वाधिक श्रेय अरब व्यापारियों को था। ये अरब वाणिज्य अपने मालों को लेकर कभी कभी भूमि मार्ग और कभी समुद्री मार्ग से होकर दूसरे देशों में जाते थे। पश्चिमी एशिया और मिस्र को भी अरब व्यापारियों ने एक ही उद्देश्य के अंतर्गत रखकर पूर्व में भारत से आबद्ध कर दिया था। पूर्व और पश्चिम के व्यापारियों को रुकने के लिए लंका एक महत्वपूर्ण ठहराव था। 5वीं सदी का चीनी यात्री वाइसेन ताम्रपी से लंका गया था और वहां से सुमात्रा था। लंका भी हिंद महासागर में विख्यात बंदरगाह बन गया था। वैसे तेज देवल यदा खंभात सुपारा जयपुर कोलमल्ली जैसे भारत के बंदरगाहों से पश्चिमी देशों में मालवाही पोत जाते थे। अल मसूदी ने लिखा है कि भारत के पोत बसरा सिरप ओमन जावा और चंपा से होकर खनूब मतलब कैटन तक जाते थे। समराज कहा में विवरित है कि सुवदन नामक पोतवाहक चीन से सुवर्ण द्वीप होते हुए देवपुर पहुंचा था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और द्वीपों से अनेक प्रकार की वस्तुएं भारत आती थी। वाराणसी के अध्यापक द्वीपांतरण से फल प्राप्त करते थे। उन देशों से भारत आने वाले यात्री भारत भ्रमण करते थे। इसी संदर्भ में राजशेखर का कहना है कि कहना था कि द्वीपांतर के परिधान और आचार व्यवहार के प्रति लोगों का जागरूक रहना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन युग में भारत का संबंध पश्चिम और पूर्व दोनों ओर के देशों से अत्यंत सुखद था तथा सुविधा अनुसार पारस्परिक आदान प्रदान हुआ करता था। तो इस प्रकार प्यारे साथी हम लोगों ने व्यापार वर्ग को यहाँ पर देखा, जड़ और स्थल मार्ग तथा कुछ महत्वपूर्ण। अब हम लोगों ने 600 पृष्ठ संख्या 34 तक अध्ययन कर लिया है। पृष्ठ संख्या 634 माप तौल और मूल्य, यहां से अगले वीडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, माप तौल और मूल्य, ठीक, पृष्ठ संख्या 634 की। तो आप सभी से अति विनम्र निवेदन, साहित्यिक सहृदय सभी ने निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मैं अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के